डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम रोटी की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कुछ रोटी जो हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी अगरचे हमने पहले जनरल कैरेक्टेरिस्टिक्स में आपको ये बताया कि रोटी के अंदर पार्थोजेनेसिस जो कि ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसके अंदर सिर्फ मेल जो है वो मौजूद हैं और कुछ क्लासेस में मेल मौजूद नहीं है और मेल जो हैं इनका साइज़ फीमेल की नस्बत दे आर स्मॉलर इन साइज़ क्लास मोनोगोनेटा इसके अंदर सिर्फ मेल जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट बट बिडिला क्लास जो है इसके अंदर नो मेल्स आर प्रोड्यूस्ड क्लास सिसियोनाइडिया के अंदर फुली डेवलप्ड मेल और फीमेल जो है दे आर इक्वल इन नंबर और ज़्यादातर रोटीफर्स जो है जब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ओवरी या टेस्टिस मौजूद होंगे तो वो सिंगल होंगे डबल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर एबसेंट इन रोटी फर्ज फिर इसमें मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वाइटिलेरियम मौजूद होगा वाइटीलेरियम जो है दिस नॉर्मली प्रोड्यूस योग योग जो है एग्स जब फर्टिलाइजेशन होगी उनकी नोरिशमेंट में ये योग जो है दिस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवरी वाइटलेरियम दे ओपन फ्यूज टू फॉम अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे जर्मोवाइटिलेरियम फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स जो है दिस विल ट्रेवल थ्रू द ओविडक्ट और दिस विल एंटर इन टू क्लोएकल ब्लैडर और क्लोएकल ब्लैडर एज दिस ओपनस आउटसाइड थ्रू द एनस सो एग्ज दे आर मूव्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू दिस क्लोएकल अपर्चर फिर माउथ क्लोएकल अपर्चर दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है ये मेल के अंदर या तो एबसेंट होंगे या उसके अंदर बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है टेस्टिस भी सिंगल है दिस विल प्रोड्यूस स्पर्म्स और स्पर्म्स जो हैं दे आर ट्रेवल आउटसाइड द बॉडी थ्रू द स्ट्रक्चर नोन एज गोनोफोर और मेल रोटी फर्स के अंदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन स्ट्रक्चर मौजूद हैं दे इंजेक्ट द स्पर्म लाइक अ हाइपोडर्मस नीडल

थ्रू द पार्थोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्ज़ जो हैं दे रीच इन टू डिप्लॉयड इन साइड द फीमेल्स फिर इसकी थर्ड क्लास जो है मोनोगोनेटा दे प्रोड्यूस टू डिस्टिंक टाइप्स ऑफ एग्स ए को हम कहेंगे अमिकटिकग्स ए मिकटिक एग्स जो हैं मिक्सड हैं या ब्लैंड हैं थीन शेल समर्थ में ये प्रोड्यूस होंगे और जो दूसरी एग्स की टाइप है उसको हम कहते हैं मिकटिक एग्स Mictic eggs joha mixed ya blended, hai, they are produced by the mitosis and normally these eggs are diploid. They cannot be fertilized or they develop directly into amictic females. Therefore, first amictic cycle joh, this starts or females they produce normally. क्योंकि जब ये फ़ीमेल रिप्रोड्यूस करती हैं तो ये दे प्रोड्यूस आ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फीमेल पापुलेशन और दिस नॉर्मली बिफोर नॉर्मली एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल दिस इज साइकिल शोन डायग्रामेटिकली दैट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट यहाँ इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप देखें डिप्लॉयड फीमेल्स हैं डिप्लॉड फीमेल्स प्रोड्यूस डिप्लॉड एग्स दिस एग्ज आर एमिक्टिके डेवेलप डिप्लॉयड फीमेल एंड डिप्लॉड फीमेल्स अगेन दे प्रोड्यूसड डिप्लॉयड एग्ज देर एमामिक्टिक और फिर इसके अंदर जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का दिस इज कॉल्ड पार्थोजेनिस और समाइम्स वट हैपन्स दिस डिप्लॉड फीमेल ऑल्सो अंडरगोज म्योसिस और हेप्लॉड एग्स प्रोड्यूस करेंगे ये हेप्लॉयड एग प्रोडक्शन को हम मिक्तिक भी कह देते हैं इससे हेपलॉयड मेल्स बनेंगे हेप्लॉड मेल प्रोड्यूस हेप्लॉड स्पर्म प्रोडक्शन देन दिस एग्स एंड स्पर्म्स दे फ्यूज एंड फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉइड रेस्टिंग एग्स है दिस विल हेच विलू अनदर डिप्लॉइड फीमेल्स दिस डाइग्राम शोज आर टिपिकल रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ रोटीफर्स फिर इसके अंदर क्या होगा कि इसके एग्स जो बन गए हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड विंड्स बर्ड्स इसके डॉर्मेंट एग्स को डिस्पर्स करेंगे कुछ अमिक्ट फीमेल्स मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करेंगी थिन वॉल्ड एग्स हैं और एग्स आर डिप्लॉयड इसी तरह से इसके अंदर मिक्टिक एग्स जो कि साइकिल में हमने देखा फर्टिलाइज होंगे इनके गिर्द शेल बन जाएगा और ये एग्स जो हैं देन दे विल बिकम डॉमेंट डिंग विंटर सीजन फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये एग्स जो हैं दे विल गो फॉर फर्टिल दे विल गो फॉर फर्दर डेवलपमेंट तो इसमें लाइफ साइकिल में आपने देखा एसेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव फेजिज जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द रोटीफर्स